अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बेबी बैग का रिव्यू, जो कि मार्केट में बहुत डिफरेंट स्टाइल्स और डिज़ाइंस में अवेलेबल हैं। तो जी, सबसे पहले वीडियो का स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसके फ्रंट पॉकेट के साथ, जिसको ओपन करते ही सामने 3 जो सेपरेशन बनाई हुई हैं यहाँ पर, जिनके अंदर एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो यूज़ किया गया। एल्यूमिनियम की शीट है जो कि फीडर के अंदर मौजूद पानी को ठंडा है तो ठंडा रखती है, गर्म है तो फिर गर्म रखती है। और ये साथ में भी एक छोटा सा पॉकेट बनाया हुआ है, आप सूदर वगैरह ऐड कर सकते हैं। वैसे तो इसका सिंगल एक पॉकेट है, उसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर ये एक शीट मौजूद है और इसके साथ जो है वो 2 रॉड्स भी हैं। तो मैं इसका क्या यूज़ है वो आगे जाके आपको बताती हूँ वीडियो में। सबसे पहले इसकी पॉकेट्स जब खुल गई हैं तो अंदर कितनी स्पेस है आप ये देख सकते हैं कि अच्छा खासा स्पेशियस बैग है। 1, 2, 3, 4 तो वैसे ही ओपन पॉकेट्स हैं और 2 जिप वाले पॉकेट्स हैं इसके साथ। ऊपर ज़रा छोटे साइज़ का, जो नीचे है वो ज़रा बड़े साइज़ की है। तो जी, इसके अंदर आप अच्छा खासा सामान जो है वो इजीली कैरी कर सकते हैं। बैग के बैक पर जो है वो ये 2 बने हुए हैं स्ट्रैप्स, जो कि आप इजीली प्रैम में भी इसको जो है फिक्स कर सकते हैं। फिर ये गिरता नहीं है चाहे जितना मर्ज़ी आपका हैवी बैग हो। और साइड में ये जो एक पॉकेट है ना, वो सेंटर से ओपन है, जो कि बेसिकली वाइप्स वगैरह रखने के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैं नहीं रखती हूँ वाइप्स, मुझे यहाँ पे बॉटल्स रखना ज़्यादा इजी लगता है। ये सेकंड पॉकेट जो है यहाँ पे आप थर्मस रख सकते हैं, क्योंकि ये पॉकेट थोड़ी सी स्ट्रेचेबल सी बनी हुई है। साथ ही इसके जो है यहाँ पर एक जिप लगी हुई है, जिस जिप को ओपन करते ही ना इस बैग का बेसिकली जो मैजिक है या फिर इस बैग को बाय करने का जो मकसद है ना, वो जो है ना फौरन नज़र आएगा हमें। जैसे ही जिप को ओपन करते हैं तो ये फिर एक पूरा जो है मज़ीद स्पेशियस बैग बन जाता है। और वो जो आपको स्टार्टिंग में मैंने शीट दिखाई थी ना, वो भी इसी के अंदर बिछाने के लिए। तो ये इसकी 2 रॉड्स हैं जिन्हें यूँ आप अटैच करते हैं तो पहले हाफ ऑफ होती है, फिर बाद में ये एक पूरी बन जाती है। इसी तरह साइड में इसके जिप अवेलेबल है, उसके अंदर से आप इस रॉड को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर ये अच्छी एक इसकी सपोर्ट बन जाती है, यानी कि फिर गिरता नहीं है, बंद नहीं होता जल्दी से। सेम इसी तरह की जो स्ट्रिप है, सॉरी जो रॉड है ना, वो इसकी दूसरी साइड पे भी लगेगी, जिसकी वजह से इसकी अच्छी सी सपोर्ट बन जाएगी। और आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त ये इस बैग का फुल साइज़ है, जो कि सेंटर का स्पेस जो अभी ओपन हुआ है ना, वो बेसिकली यूज़ होता है डायपर चेंजिंग के लिए। यानी आप कहीं भी किसी पार्क में किसी पब्लिक प्लेस पर मौजूद हैं तो वहाँ पर इस बैग को यूँ ओपन करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसके अंदर की वो एक फॉर्मिंग सी शीट है, बिल्कुल हल्की सी शीट नहीं, थोड़ा सा लाइट फॉर्म लगा हुआ है इसके ऊपर। तो और इसके ऊपर जो है ना साथ में ये शेड भी अवेलेबल है। कितना ये बेहतरीन इसका एक ऑप्शन है कि भाई आप कहीं अगर पार्क वगैरह में मौजूद हैं तो फिर ऊपर से ऐसे यूँ इसके साथ ये इसकी बनी गई स्ट्रिप्स ही तो उसको अटैच कर सकते हैं, जिसके बाद आप इसके अंदर बेबी को ईजीली जो है ना वो लिटा सकते हैं, वो इसके अंदर सो सकता है। और अगर आपने इस शीट को हटाना है तो हटा दें, और फिर नीचे आप बेबी का ईजीली डायपर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये इस बैग का सबसे ज़्यादा अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। और साथ में इसकी छोटा सा पॉकेट भी अवेलेबल है, कोई चीज़ आप अगर ऐड करना चाहें तो इसमें भी रख सकते हैं। और ये अगेन वही स्ट्रिप्स हैं जो कि आप प्रैम में इस बैग को जो इजीली फिट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।